आकर आपको कैसा लगा, और इस तरह के जो जगह हैं उसको पर्यटन या धार्मिक डेफिनेशन के रूप में कैसे लोग देखते हैं? धन्यवाद सर। मैं सागर जी सासाराम से, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ और यहाँ पर एक कंपनी ब्रिज इंडिया के तहत मैं आया हूँ। अच्छा जी, मुझे बहुत खुशी हुई इस जगह पे आकर के, इसे अलौकिक दृश्य को देख करके। और मुझे ये रोहतास में ये पहला बार आने का मुझे मौका मिला और मुझे यहाँ के लोगों से, मुझे यहाँ की व्यवस्था देख के मुझे इतनी अच्छी लगी, ये कहना मुझे अब थोड़ा सा ये तो लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ जो है, महादेव जी का जो मंदिर है, ये सबसे बड़ी अजूबा चीज़ लगा हमें। और यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरह से है। और मैं सबसे बड़ा ये फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी तीर्थ स्थान है इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारे जैसे लोग या और आगंतुक लोग आने वाले, पर्यटक लोग आने वाले, दूर दूर से लोग आने वाले यहाँ पर अच्छे महसूस करें और अच्छे देव भूमि में आकर के अपना सुख संपदा, अपना प्रार्थना अर्जन करें। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पथ प्रदर्शक कहें, अग्रज कहें, बड़े भाई कहें, भोला भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप यहाँ मंदिर के देखरेख और यहाँ पे सहयोगी के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ जब आप आते हैं, विधि व्यवस्था की जब चर्चा होती है, तो क्या लगता है कि और यहाँ बेहतर होना चाहिए था या गवर्नमेंट को इस पर और चीज़ें बेहतर करनी चाहिए थी ताकि नेशनल और इंटरनेशनल टाइप के सैलानियों को यहाँ आकर्षित किया जा सके? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं अपने भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। इसके बाद इस कैमरा के माध्यम से जो भी दर्शक बाद में देखेंगे इस इंटरव्यू को, उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे पहले प्रशासन को ना, खास करके श्रावण का जो महीना चल रहा है, इसमें तमाम तरह की भीड़ें आती हैं। और यहाँ हमारे जो उत्तम तपस्वी आश्रम न्याय समिति के जो सदस्य हैं या फिर मुख्य सचिव जी राधा सूद जी, एक ग्रुप भी बनाए हुए हैं। उस ग्रुप के माध्यम का हर दिन का न्यूज देखते रहता हूँ। बहुत तरह के उपद्रवी लोग यहाँ पे आते हैं और ये व्यवस्था तो बनाते हैं, बट यहाँ की प्रशासन की कोई सपोर्ट न मिलना या उनके द्वारा कोई प्रोटेक्शन न मिलना, इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अपने स्तर पे इस पहाड़ की कंदरी में, जहाँ पे एक छोटी छोटी सी व्यवस्था बनाने में हमें पता है कि कितनी तपस्या करनी होती है, कितना हमें झेलना पड़ता है, तो जाके एक चीज़ यहाँ, वो पूजा से संबंधित हो या श्रद्धालुओं को भंडारा संबंधित हो या तमाम जो भी पूजा स्थल पे व्यवस्था दी जाए उससे जुड़ी हुई, तो हम सभी जो समिति से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे अपने माध्यम से एक निवेदन करूंगा और उसमें हम भी खुद को जोड़ के बता रहा हूं कि हम सब मिलके यहाँ की व्यवस्था में राधा सुध जी को हाथ बटाएं और इन उपद्रवियों से थोड़ा सा इनको निजात दिलाएं। ये काफी परेशान होते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि हम मंदिर के फेस को नजदीक से दिखा जाएं। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि आप सामने से थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। 2-3 दिन पहले पर्यटन सचिव आए थे, पूरे रोहतास के पर्यटन क्षेत्रों को उन्होंने घुमा देखा और कहा कि यहाँ के चीज़ों को संभावित तरीके से डेवलप किया जा सकता है पर्यटन के रूप में। डीएम सर भी ने कल ब्रीफिंग किया 2-3 दिन पहले कि रोहतास के जितने भी वाटरफॉल्स हैं या पर्यटन की संभावनाएं हैं, उसको हम लोग अपने तरीके से देख रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं बेहतर कर सकते। आप अपना नाम बता दीजिएगा, आप आए तो कैसा लगा और क्या चीज़ आपको लगा कि यहाँ और डेवलप होना चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम साधु आनंद, सासाराम बिहार से मैं हूँ और आज सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस क्षेत्र में आए और भोला भैया के माध्यम से इस जगह का नाम पहली बार सुने और आने का भी मौका मिल गया। तो आए हम लोग, अच्छा लगा यहाँ का विधि व्यवस्था या यहाँ के जितने भी सदस्य हैं उनका व्यवहार देख करके लगा कि यहाँ कोई आस्तिक आस्थापूर्ण जगह है जहाँ पे लोगों को आना चाहिए, समय देना चाहिए। और बहुत सारे लोग आते भी होंगे, आएंगे भी, लेकिन जो छोटी छोटी आप व्यवस्था बता रहे हैं उसमें अगर सुधार कर दिया जाए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो आज जो हम दूर दूर घूमने के लिए ये है, यहाँ पे ये है, वो पूरे रोहतास जिला में ऑलरेडी मौजूद है, भरा पड़ा है, सिर्फ इसको संभालने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, तो तेज़ी से लोग यहाँ पे जुट ही रहे हैं। तो मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो व्यवस्था अभी तक यहाँ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा प्रशासन का व्यवस्था चाहिए क्योंकि लोग उससे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, तो बहुत सारे अपने परिवार को भी लेकर के यहाँ पे आने के लिए
सुरक्षित महसूस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक और मेरे सहयोगी बंधु हैं, महादेव को आकर कैसा लगा और क्या लगा कि यहाँ और बेहतर होना चाहिए? अपना नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हूँ, बिहार शरीफ। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं इसके बारे में पहले से जानता भी नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ दिनों से रह रहा हूँ तो जानकारी हुआ। मुझे आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन सुविधाएं तो अच्छी है लेकिन और हो सकती है। तो प्रशासन के द्वारा या मेरे सरकार के द्वारा इनसे अगर किया जाए तो हो सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब प्रकृति से प्रदत्त चीजें आपको मिलता है, वो भी निःशुल्क मिलता है, जैसे वाटरफॉल हो गया, झरना हो गया, हिल्स वगैरह हो गया, तो आप उसको कैसे संरक्षित रख सकते हैं और अपनी क्या जिम्मेवारियां हैं उसको भी बखूबी निभाना होता है। तो आप यहाँ पे आए, आपको लगा कि ये जगह बेहतर है, पर्यटन की संभावनाओं में इसको देखा जा सकता है? जी, पर्यटन के अधि में देखा जा सकता है, जगह बहुत बेहतर है और ये पहाड़ों की जो खूबसूरती है ये मतलब लोगों को देखने के लिए आकर्षित करती है, तो इसको आकर्षित को और बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग सुरक्षित अपने आप से भी कर सकते हैं और कुछ तो सरकार से भी उम्मीदें रखते हैं लोग। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सभी दोस्त थे जो कोई सासाराम से